बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चाशनी वाला जर्दा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जर्दा बनाने के लिए हमें चाहिए ये आधा किलो बासमती चावल है जिसको हमने आधा घंटा भिगो लिया है, ये 300 ग्राम मावा है, ये काजू बादाम है और ज़ाफरान और ये 2 कप शक्कर। लोगों ने 2 लीटर पानी रख दिए, उसमें जर्दे का कलर डाले 1 टीस्पून, 2-3 इलायची है, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। अब इसको बॉईल आएगा, फिर हम इसमें चावल डाल के बॉईल करें। पानी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अभी हमने एक दूसरे भगोने में 1.5 कप पानी डाल दिए और ये हमारे 2 कप जो शक्कर नाप के लिए थे हमने ये इसमें डाल देंगे। इसको हम अभी 10 मिनट तक बॉईल करेंगे अच्छे से, और जब तक हमारी चाशनी होगी हम चावल को देख लेते हैं। चावल में अच्छे से उबाल आ चुका है, मगर अभी और 5 मिनट इसको हम बॉईल करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह उबाल आ चुका है, हमारे चावल भी अच्छी तरह 80% हो चुके हैं। अब हम इसे पसा लेंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकने को। अभी जो हमें चाहिए थिकनेस वैसी है नहीं इसमें, अभी हम इसमें 1 पिंच ज़ाफरान डाल के 5 मिनट और इसको पकने देंगे। एक हमने बर्तन ले लिया है, वो गर्म हो चुका है अभी। अब हम इसमें 1 कप जितना घी डालेंगे, असली घी, आप चाहे तो डालडा भी डाल सकते हैं। घी में हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ये मावा डाल देंगे। ये फीका मावा है, हम इसको स्लो गैस पे 1 मिनट तक भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है, जब तक अब हम अपनी चाशनी देख लेते हैं। ये देखिए चाशनी अच्छी से उबल गई है, हमें ऐसे ही चाहिए एक तार की जैसी चाशनी। देखिए इसमें एक तार जैसा आ रहा है, तो बस इसी तरह हमें ये चाशनी चाहिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अभी हम चाशनी को मावे में डाल देंगे। बॉइल चावल है जिसका हमने पानी निकाल लिया था, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें चावल डाल दिए, उसको अच्छी तरह उबाल आ चुका है। हम इसको अभी स्लो गैस करके इसको 10 मिनट तक ढक के रखेंगे और उसके 10 मिनट बाद हम अपनी गैस बंद कर देंगे और 15 मिनट तक इसे खोलना नहीं है। जर्दा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जर्दा हुआ है। अब हम इसे यानी हमारा ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में आपको बताइए। चलिए अल्लाह हाफिज़।